You're recording, right? No. I am. Okay. Why, what are you going to do? Nothing. I just need to know if I need to protect my nipples and not take a drink. Always protect your nipples. Always, kids. Welcome back to our Stupid Rick's Indeed. It's up, Corbin. Words of wisdom from Corbin and Rick. And he calls it Instagram and Twitter. What juicy got on fire? It's so juicy. Yeah. Bang! Oh, no. Follow us on our personal YouTube channels. Links right down there. And today's reaction is brought to you by the color blue. We're both wearing blue. Krishna. What? Krishna. I don't know. The god? She, yeah. Is she blue? He. He. Is he blue? Blue is like his color. Oh, he's the blue one. Yeah. Okay. Yeah. I understand now. today, we're reacting to a top 10 places in India you are not allowed to visit. Well, right now, we can't go to any place That's in true. India. We can't go to any place. This is really a moot point. So that would be number one on the list. Number one on the list. The whole country. You cannot visit there. You know the places you shouldn't be able to visit? All those roads that we saw. Yeah, that you have to drive through. I got messages, yeah, I'm sure you did too, people, I've been on that road. Yeah. Hats off to all of you who have done that. Yeah, crazy stories. I've read some stories that are pretty amazing. So, okay, obviously when COVID's over and the restrictions are gone, which they're starting to ease some things up actually in some places, like CDC has said you don't need to do a 14-day quarantine anymore in some places. And here in America, we're just brimming with COVID fun. Well, India is as well. Yeah, it is. But I mean, I think the top places for COVID right now are America, India, and Brazil. Yes. Winning! Anyways, but America is number one. Anyways, I don't know what I'm saying. Here we go. So here we go. Top 10 places you're not allowed to visit in India. Okay. क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां कोई ना जा सकता हो अगर नहीं तो दोस्तों आज हम आपको इंडिया की 10 ऐसी जगहों पर ले चलेंगे जहां कोई नहीं जा सकता टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया यू आर नॉट अलाउड टू विजिट नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे भारत जो कि दक्षिण एशिया में स्थित सबसे बड़ा देश है अपनी अनेक संस्कृतियों के लिए मशहूर है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐसी अनेक जगहें भी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा और जहाँ कोई नहीं जा सकता आइए दोस्तों हम उन जगहों को देखते हैं नंबर एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के एंडमैन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हिस्सा है यहाँ के लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और यहाँ तक कि उन्होंने बाहर की दुनिया से सारे संचार अस्वीकार किए हुए हैं और वो लोग अपनी भूमि को बाल पूर्वक सुरक्षित रखते हैं जब भी वहाँ कोई आने का प्रयत्न करता है यही कारण है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता नंबर दो UNO इन होटल बेंगलोर ये होटल 2012 में खुला और अजीब बात तो ये है भारत में होने के बावजूद इधर सिर्फ जैपनी मूल के लोग ही आ सकते हैं भले ही इस होटल में भारतीय लोग काम करते हैं पर यहाँ सिर्फ जैपनी लोग ही जा सकते हैं अजीब दुनिया तो क्या आप जाना चाहेंगे Just Japanese people are allowed? Is that what it said? That's what it said. नंबर तीन भांगड़ फोर्ट राजस्थान ठीक है आप भांगड़ को जा सकते हैं जब तक आप दिन के घंटों के दौरान ऐसा करते हैं इस कुख्यात भूतियामुख शहर में प्रवेश सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कानूनी तौर पर निषिद्ध है वास्तव में प्रवेश द्वार पर भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक संकेत पत्र है इसलिए अगर आप भूत पर्दाफाश की रात की तलाश कर रहे हैं तो आप भाग्य से बाहर हैं क्योंकि यदि आप भांगड़ में पैर सेट करना चाहते हैं तो सूर्य से बाहर होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी भांगड़ दिन के दौरान भी दुनिया में सबसे भयानक और भयानक स्थानों में से एक है आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए अंधेरा होने से पहले ही निकल जाओ नंबर चार निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से खैर ये दूसरी बार एक जगह है जो एंडमैन और निकोबार समूह का हिस्सा है इस लिस्ट में दिखाया गया है और अच्छे कारण के लिए एंडमैन के विपरीत निकोबार आइलैंड सचमुच अछूते हैं यूनेस्को ने द्वीपों को विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा घोषित किया है ऐसे पक्षियों समुद्री जानवरों और पौधे जीवन की प्रजातियां हैं जो इन क्षेत्रों के लिए स्थानिक हैं और संरक्षित होने की आवश्यकता है यही कारण है कि निकोबार की बात आती है इसलिए मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम रखा जाता है
इन द्वीपों पर जाने के लिए परमिट प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और यह ज्यादातर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं तक ही सीमित है। ये इस तरह से बेहतर है क्योंकि द्वीपों को प्राचीन और अनजाने रखने की आवश्यकता है। नंबर 5, सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप। ये जगह सियाचिन के सबसे सर्द इलाके में स्थित है। यहाँ आम इंसान के जाने पर पाबंदी है क्योंकि ये एक मिलिट्री एरिया है और यहाँ आतंकी गतिविधियां भी पाई गई हैं, जिस करके आम इंसान यहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नंबर 6, चंबल नदी मध्य प्रदेश। चंबल की बेजोड़ सुंदरता भारत के कुछ सबसे बदनाम डाकुओं द्वारा लंबे समय तक चली गई है। ये लंबे समय से बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं की रचनात्मकता की कल्पना करने वाली थी। हालांकि क्षेत्रीय डकैतों के शिकार होने का खतरा अभी भी काफी संभव है और इसलिए आमतौर पर यात्रियों द्वारा ये बचा है। नंबर 7, बास्तर छत्तीसगढ़। भारतीय नियाग्रा फॉल का गढ़ चित्रकूट बास्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसमें बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधियां हैं। पूरा जिला प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों से भरा हुआ है। दुर्भाग्य से ये लाल गलियारे में गिरने वाली प्राथमिक स्थानों में से एक है। नंबर 8, चोलामू लेक गुरु डोंगमर। ये एक और भारत में ऐसी स्थित जगह है जहाँ कहा जाता है कि आम आदमी का आना वर्जित है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ स्पेशल परमिट लेकर जाया जा सकता है, लेकिन हमारी रिसर्च के अनुसार ये परमिट केवल आर्मी के लोगों को दिया जाता है। इसका कारण ये है कि ये जगह चीन के बॉर्डर के बेहद करीब है। खैर, कहने वाले कहते हैं ये दुनिया की सबसे सुंदर नदियों में से एक है। नंबर 9, बैरन आइलैंड्स एंडमन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एंडमन और निकोबार के बैरन आइलैंड में स्थित है। आप लाल गर्म लावा को देख सकते हैं और ज्वालामुखी के मुंह से एक छोटे जहाज की सुरक्षा के अंदर दूरी के लिए धुएं का धुआं देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी को भी पहाड़ी के करीब जाने की इजाजत नहीं है। नंबर 10, अक्साई चीन जम्मू एंड कश्मीर। अक्साई चीन एक युद्ध विराम रेखा है जो कि चीन नियंत्रित क्षेत्र से भारतीय नियंत्रित जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करता है। ये पूर्व में आगे आता है और इसी वास्तविक नियंत्रण रेखा इलीसी के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया के खतरनाक स्थानों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। कुख्यात इलीसी लद्दाख के प्रसिद्ध पानगोंग टीएसओ झील के मध्यम से गुजरता है। इस जगह के खतरनाक होने की वजह से जाना माना जाता है। That obviously has a lot of going ons right now. Yeah. But yeah, I never thought about it. How many volcanoes does India have? They've got mountain ranges, so it makes sense that they would have some places that have volcanoes. But I'm sure they have the fault line is probably in the Himalayas, you think? It's got to be somewhere around there. Yeah, so I wonder how many volcanoes you got. We only have technically one in America. Well, we've got little dormant. Yeah. But active. St. Helens is still active. Washington, and obviously Hawaii. Yeah. I don't know if Alaska has any. I don't know if they're active. Yeah, because the Ring of Fire, which lasts all the way from America down to California, yeah, all the way over to Japan and part all of the Pacific Plate, which is why it's one of the most active. The plate moves over a fissure. That's where you get for the Hawaiian Islands. There's an actually active fissure, so as the plate moves. That's why the Hawaiian Islands keep getting birthed and get more and more. Yeah, over very millions cool. of years. I mean, they're going to be birthed in our lifetime. Not in our lifetime. I didn't know. I've known about that. The eye with the indigenous people? The indigenous people. I didn't know that was India. I didn't either. I thought it was closer down toward like Papua New Guinea. That's what I thought. And the Pacific Islands. But hey. We're definitely a famous island. It definitely makes you curious, but also just like, just leave them alone. Yeah. They seem pretty, one... Obviously, it wouldn't be hard if you wanted to take over the island, because I'm pretty sure they're pretty native. But it's like... But why? Yeah, I mean, you don't want to disturb them. Dude, we don't want them in this world. No, and any places where that's happened, the indigenous peoples, they typically don't respond well to that. No. At all. They're in a different world. Yes. Than we are. Like in Papua New Guinea, for the most part, Papua New Guinea has now been touched. Mm-hmm. But for a very long time and not too long ago, it was one of the more primitive places that had untouched people groups in Papua New Guinea. And I love the fact that the one island is just untouched. Yeah. Just to be a haven for nature and the animals, kind of like Madagascar. And I wish there was more of that. Me too. Because humans are a disease. Too bad we don't know how to steward things. No.
Because we're just stupiding things. We're stupiding things. We don't steward things. We're stupiding things. Just like that sentence. Yeah. But that was cool. Let us know more videos such as this, or like the ones that'll blow our mind, like the road ones and scare us. Yeah. Spitless. You guys like seeing us freak out and just. Yeah, but see, you learned something new. I didn't know that that place was there, and I didn't know about all those other places. We like learning because that makes us less stupider. Sometimes, maybe seven.